श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिक वर्ग को शुभकामनाएं दी है। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि श्रमिकों के कठोर परिश्रम से ही किसी भी देश प्रदेश की तरक्की सुनिश्चित होती है और राज्य सरकार ने श्रमिकों, कामगारों व खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक अन्य राज्यों में फंस गए थे, ऐसे में उन्हें घर पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयास कारगर साबित हुए हैं। वैसे तो अब की बार हमने विधानसभा में भी अनाउंस किया था कि श्रमिक दिवस बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो आप सब लोगों को पता है। इन परिस्थितियों के अंदर भी हमें सर्वाइव करना है। इस कोरोना की सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो श्रमिकों पे पड़ी है। बहुत से श्रमिक दूसरे राज्यों से पलायन करके यहां पे आ रहे हैं,